डैडी यहाँ लाश है, जल्दी आ जाइए। हाँ जी, मैं अभिजीत डैडी से। और मैं दया, दरवाजे कहाँ तोड़ना? अबे वो लीचड़। दरवाजा बाद में तोड़ना, पहले ही बता दो तुम्हारे एसीपी प्रदूषण है वो बूढ़ा कहाँ है। प्रदूषण? अच्छा बूढ़ा पांक, वो सुबह सुबह दूध लाने जाता है, आता ही होगा। लो वो आ भी गया। दया, अभिजीत कहाँ है? लाश कहाँ है? लाश लाश कहाँ है? कमीनो इधर आ, दिखाता हूँ। अबे लाश तो गायब हो गई। चिट्ठी बताओ, तुमने यही लाश देखी थी ना? एसीपी प्रदूषण की कसम, यही देखी थी। इसका मतलब समझे दया, लाश को किसी ने यहां से चोरी कर ली है, और वो कोई लोकल चोर नहीं है, वो इंटरनेशनल गैंग का चोर लगता है। इंटरनेशनल? ये तो घर चलते हैं सर, ये हम लोग की बात बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, हमसे ना हो पाएगा, चलो रे। मुझे ऐसे ही पेचीदे केस की तो बरसों से तलाश थी, ये केस हम जरूर सॉल्व करेंगे। अच्छा तो तूने ही फोन किया था? हाँ। तो ये बता, पहले तू यहाँ कर क्या रहा था? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। गर्लफ्रेंड? यार इसकी भी गर्लफ्रेंड है। अरे ओ निकम्मो, गर्लफ्रेंड अपने टैलेंट पे बनाया है। कसम से आज मेरी जान दे दूंगा, जिंदगी झंड हो गई है। मैं भी यार। सर, मुझे तो लगता है इसी ने खून किया। मुझे तो पक्का लगता है। बेवकूफ हो, निठल लो, मैं खून करके कॉल क्यों करूंगा? मैं तो भाग जाऊंगा। हाँ ये बात तो है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है। तू ये बता, तेरे पास सबूत क्या है कि लाश यही थी और गायब हो गई? मुझे पता था तुम मुझे सब बेहुदा सवाल जरूर करोगे, इसलिए मैंने फोटो खींच लिया था। अरे हाँ सर, लाश तो यही था। सर ये केस तो मुझे बहुत पेचीदा लगता है, हमसे ना हो पाएगा, चलो रे। पांक, ए, अबे चुप। तुम लोगों के मैं उल्लू दिखता हूँ? नहीं सर, आप उल्लू नहीं, भैंस का बच्चा पाड़ा लगता है। बेटा तू आज शाम को ब्यूरो में मिल। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो हम लोग सबूत इकट्ठे करते हैं। सर कहीं कुछ सबूत नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के थक गया सर, मुझे भी कहीं कोई सबूत नहीं मिला। इसका मतलब समझे दया? नहीं सर। और तुम अभिजीत? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर। इसका मतलब कातिल बहुत सातिर है। तीनों पागल हैं। मुझे लगता है आपसे नहीं होगा। आई थिंक ये केस हमें सीबीआई और एनआईए को दे देना चाहिए। अबे चुप। पांक, 20 साल का तजुर्बा है मुझे, 20 साल का। उल्लू समझा है क्या? नहीं सर, उल्लू नहीं। अभिजीत ने ही तो बताया था कि आप भैंस का बच्चा, पापा पापा पड़ा जैसा लगते हैं। तुम दोनों आज मुझे शाम को बियरो मिलो। अबे बूढ़े, केस का क्या हुआ यार, हमको निकलना है। अरे मेरा मतलब मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही होगी। दूसरी गर्लफ्रेंड? यार इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी है। अरे क्या हुआ निकम्मो? और क्या नाम है तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड का? स्वीटी। स्वीटी?
करना भी टाइम आएगा पेट्रोल। सुन, तू अपने गर्लफ्रेंड को फोन करके बोल कि आज लेट हो जाएगा। हेलो, मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड स्वीटी। अरे यार, मिलने में लेट हो, काम है। हाँ ठीक, ओके, कल मिलते हैं। दया, अभिजीत, कोई तो सबूत होनी चाहिए, आखिर लाश ऐसे कैसे गायब हो जाएगी? ये भी सोचने वाले। अरे सर, लाश तो खुद चल के आ रहा है सर। क्या सर, 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 ये भूत वाला कैसे सर? बाजू से सर, बाजू से। अबे रुक, अबे भागने की क्या जरूरत है? रुक, तू जिंदा कैसे हो गया? क्या, मैं मरा कब था? फोड़ो दिखा। अरे बुड्ढे, मैं तो योगा कर रहा था। योगा? इसके लिए मोदी जी से परमिशन बनवाना पड़ेगा क्या? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं लोग। दया, जरा जोर से मार। ओके सर।